पर मकाम इधर कीजिए बाद सर्टिफिकेट और खबर मुकर है जाकिर अहल बैत सैयद अकबर हुसैन रजवी साफिल्ला बयान फरमाएंगे अजमन मासूमी परवान हसनैन और गुलशन जहरा आदमका नजराना पेश करेंगी अब्बास हुसैन इब्ने अली हुसैन मरहूम आपके शिरकत के मुतमनी है फजलदान और पारा सफ़र 9 बजे शब बमकाम बैतुल खैर अली सदा मुकर्रर है डॉक्टर सैयद अब्बास अली नकवी हैदराबाद के बाहर के जाकिर अहल बैत है वो बयान फरमाएंगे। मोमिनीन से गुजारिश है कि बैतुल खैर में 12 सफर 9 बजे शिरकत करे। आपके शिरकत के मुतमनी है बानी और सेक्रेटरी हुसैनी स्कॉट सिप्टन साहब। मल्ली सदा 13 सफर हुसैनिया नवाब इनायत चंद बहादुर मंडी बिरादर में मुकर्रर है। अजमन मासूमी रोए कासमी और शहर हैदराबाद की मौसूस अजमन मातम करेगी फर्जंदान नवाब मुस्तफ़ा अली खान मरहूम आपके शिरकत के मुतमनी है। और 12 सफर शब में 14 सफर शब में 12 बजे अंजुमन मासूमी अराकीन है अंजुमन मासूमी आपके शिरकत के मुतमनी है। कदीम और जदीद अंजुमन मासूमी के नौहे पढ़े जाते हैं बारगाह मासूमी पर शब सीना चली 14 सफर शब में 12 बजे। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि उस मजलिस में भी शिरकत करें और आज 5 सफर से 14 सफर तक तो रमज़ान पर मजालिस होती है अलग अलग अजुमन रोज़ाना मातम का नजराना पेश करती है पूरा बाजार आशुकान हजरत अब्बास पर और 13 सफर को शब 1 बजे अजुमन मासूमी का वहाँ पर भी महसूस मातम होगा। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि उस मजलिस में शिरकत करें और 13 सफर 1 बजे याकूबपुरे में अब्बास साहब आपके शिरकत के मुतमनी है। मोमिनीन आपसे गुजारिश है कि सूरह फातिहा सैयद हुसैन अली इब्ने सैयद अब्बास अली और एक सूरह फातिहा मीर साकिर अली सवार अलदाउ खामो के लिए सूरह फातिहा असगर को नींद आई ना शौखे जिहाद में झूले में जागता रहा बच्चा तमाम रहा। पारा ने हुसैन ये कदीम आशुर खान शहजादे अली असगर सन के सर और आज 5 सफर शबे 6 सफर और शब में तकरीबन आधी रात गुजर गई है और अजमन मासूमीन के मातमदार अजादार यहाँ पर आंसुओं का मातम का नजराना पेश करने के लिए शहजादे की बारगाह में आए हैं। इन तमाम मातमदारों को अल्लाह को एक बंद दे सिवाय बंद चाहिए। यहाँ पर जो मोमिनीन खिदमत कर रहे हैं आशुर खान सन के सर के लिए उन सब मोमिनीन को अल्लाह बादशाह के कारोबार में तरक्की है। ये शहजादे अली असगर का जिक्र है कि जिसके लिए शहजादे अली असगर इतने कमसिन थे कि मौला हुसैन के लश्कर के सबसे कमसिन मुजाहिद शहजादे अली असगर 10 रजब को आपकी विलादत हुई। ये तारीख की बात है मुख्तसर
10 रजब को आपकी विलादत हुई, मौला हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा, यानी शहजादे अली असगर कुल 18 दिन घर में रहे। उसके बाद 5 महीने 4 दिन सफर में रहे। 2 मुहर्रम को मौला हुसैन कर्बला पहुंचे, 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक खैमे में रहे, यानी ये शहजादे अली असगर की मुकम्मल जिंदगी है। 10 रजब को विलादत हुई और 10 मुहर्रम को शहादत हुई। 18 दिन घर में रहे, 5 महीने 4 दिन सफर में रहे, 8 दिन खैमे में रहे। मगर देखिए बतलाया, कबीर होना सगीर होना अहले बैत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी शहादत को वैसे ही पेश किया जैसे हजरत अब्बास ने शहजादे अली अकबर में पेश किया। शहजादे अली अकबर अपनी कुर्बानी को ऐसे ही पेश किया। मौला हुसैन ने 9 मुहर्रम की शब में 1 रात की मोहलत ली भी और दी भी। इसीलिए कि अगर 9 मुहर्रम को जंग होती तो शहजादे अली असगर के लिए 6 महीने पूरे नहीं होते। 10 रजब से 10 मुहर्रम 6 महीने होंगे, और अगर 9 मुहर्रम को जंग होती तो 1 दिन बाकी रहता, और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी देने के लिए कम से कम 6 महीने का सीन चाहिए। इसीलिए 1 दिन की मोहलत ली और भी इसीलिए कि अब भी अगर कोई हुर से हुर अलैहि सलाम बनना चाहता है तो आ जाए। तो ली भी और दी भी। वो शहजादे अली असगर का जिक्र है इस आजुर खाने में कि जिसके लिए सालिम ने ऐसे तीर का इस्तेमाल किया, ऐसा तीर जिसे तीरे से शोभा कहा जाता, तीरे से शेष होगा। अरब में 6 तरह के तीर होते थे, 6 तरह के तीर। पहले तीर का नाम था नपल, दूसरे तीर का नाम था बोजल, तीसरे तीर का नाम था मोजेला, चौथे तीर का नाम था सायद, और 5वें तीर का नाम था मोजेला, और 6ठे तीर को कहा जाता था तीरे से शेष होगा। और जो नपल तीर होता था वो परिंदों को शिकार करने के लिए चलाया जाता था, वो तीर हवा में चलाया जाता था। सुबह आशूर जब मौला हुसैन नमाज पढ़ रहे थे तो दूर से नपल तीर का इस्तेमाल किया गया था, और मीजात और मोजेला जंगों में कसरत से इस्तेमाल होता था। और एक तीर जो आखिरी तीर था वो तीर को कहा जाता है तीरे से शोभा। 3 नोकों वाला तीर था जो इतना वजनी था जिसे चलाने के लिए अपना घुटना जमीन पर टिकाना पड़ता था। हुरमुला ने अपना घुटना घोड़े की जीभ पर टिकाया था। अरब में कोई उस्ताद अगर ये तीर चलाना सिखाता तो पहले कसम देता था कि तुम किसी बशर पर ये तीर नहीं चलाओ, तुम किसी बशर पर ये तीर नहीं चलाओगे। ऐसा तीर जो आजकल के वजन के हिसाब से देखे तो 9 किलो का वजन, ऐसा तीर जो पूरा लोहे का हुआ करता था, ऐसा तीर तीरे से शेष होगा। और तीर का काम है सुराख करना, तीर का काम है सुराख करना। तीर ने शहजादे अली असगर पर जब तीर चला तो ऐसा तीर था वो तीर ने कोई सुराख नहीं किया, बल्कि तीर ने शहजादे अली असगर को बाप के हाथों पर सिमा कर डाला। ऐसा तीर था मौला हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा, 6 महीने के शहजादे अली असगर, सनसनाता हुआ तीर चला शहजादे अली असगर के गले पर लगा। मौला हुसैन का बाजू सीधा, मौला हुसैन मजबूती से नथामे होके शहजादे अली असगर दूर जाकर
जमीन को बर्दाश्त ना हुआ, अब ये सोच रहे हैं माँ को ये बच्चा कैसे बदलाए, माँ ये सोच रही है कि पानी पी कर आएगा मगर उसका बच्चा जिबा हो गया, इसीलिए पसे खैमा आए। आकर शहजादी सैनब को आवाज दी, शहजादी रबाब दौड़ती हुई आई, कहा वाली मेरा बच्चा कहाँ है, कहा रबाब सब्र करना, वाले सब्र लिया, अबा का दामन हटाया, खुदा किसी माँ को मंजर न दिखाए, तो शहजादी रबाब ने देखा, जैसे ही देखा, देख कर कहा वाली क्या इस फौज में कोई साहिब औलाद नहीं है, जो एक बच्चे को इस उम्र में नहर किया गया, क्यों दीदी ने नहर कहा, इसीलिए कि ऐसा तीर चला था तो किसी जानवर को नहर करने के लिए चला जाता था। मौला हुसैन ने कहा रबाब हमारे बाद बेलदारी होगी, बाजू में रसन होगी, तुम अली असगर को कैसे संभालोगी, इसीलिए हम साथ लेकर जा रहे हैं, एक नन्ही सी खबर बनाई है, जुल्फकार से एक छोटी सी खबर बनाई। मौला हुसैन ने करबला की खाक उठाई, अब देखा कभी उस फूल से बदन को देखा, कभी उस मट्टी को देखा, आपका पंखाए बरसा रहा है, जमीन दहक रही है, कभी उस फूल से बदन को देखा, कभी उस मट्टी को देखा, शहजादे अली असगर को खबर में लिटा दिया मगर मट्टी डाल नहीं सके, मौला हुसैन ने अपना मुंह फेर लिया, आहिस्ता आहिस्ता पैरों से करबला की खाक, यूं शहजादे अली असगर को मदफन किया। उसके बाद खबर पर पानी डाला जाता है, पानी कहां से लाए, एक गोट के लिए जालिम ने गले पर तीर चलाया, मौला हुसैन ने अपना रुखसाना रख दिया, खबर अली असगर पर इस कदर बेकसी पर होए, शहजादे अली असगर की खबर को अपने आंसुओं से तर कर दिया, अना खतील अल्लाह मल्ला न खतल हुसैन।